हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका बड़ा दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले टाटा स्टील्स लिमिटेड शेयर के बारे में। दोस्तों, 52 वीक हाई जो निफ्टी 50 के जितने भी 50 कंपनी है, सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, उसके बाद टाटा स्टील। तो देख लेते हैं दोस्तों चार्ट में, क्या मैं ये सच में बता रहा हूँ कि नहीं। देख सकते हो आप कि सबसे ज़्यादा निफ्टी में गिरा हुआ है बजाज फिनसर्व, फिर बजाज फाइनेंस, उसके बाद टाटा स्टील, फिर हिंडल्को। तो आप सोच सकते हो कि टाटा स्टील में अभी कमाने का सबसे बड़ा मौका मिलने वाला है आपको, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा इंडियन स्टील ओर एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। माइनिंग, प्रोसेसिंग आयरन ओर एंड कोल, प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, फिनिश जॉब्स प्रोडक्ट के ऊपर कामकाज करता है। ये गए टाटा स्टील के ऊपर। 102 में मिलने वाला स्टॉक है दोस्तों। 100 के आसपास आप बाई कर सकते हो, करंट मार्केट प्राइस में भी आप बाई कर सकते हो जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर हो। तो मार्केट कैप देख सकते हो कि ब्लू चिप कंपनी है, तभी निफ्टी 50 में आया हुआ है, और बहुत अच्छा सेगमेंट है कमोडिटी सेक्टर का। करंट मार्केट प्राइस 102 में है, और मेरा बाइंग का सलाह रहेगा दोस्तों कम से कम 110 112 का टारगेट बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में दिखा सकता है। बुक वैल्यू 88 में है, डिविडेंड 5 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 31.5% है, जो बहुत अच्छा माना जाता है कमोडिटी सेक्टर का, कि सारे एम्प्लॉय को आपका पैसा देने के बाद भी 31% का प्रॉफिट दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 42.4%, मतलब यहाँ से भी आपका 42% का अप मूव, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी हर एक शेयर के बदले में रिटर्न देता है 42% का। तो 1 लाख का 42% तो बहुत ज़्यादा आपका हेल्दी है स्टॉक, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा चांदी बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा कमा के देने वाला है। और अभी जो है आपका 50 डेज और 200 डेज DMA के नीचे ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है चार्ट में क्लियर कट। तो यहाँ 100 रुपये का एक आपका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जो पिछले बार भी 100 रुपये का देख सकते हो, 100 रुपये का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक ने एक अच्छा खासा तेज़ी दिखाया था। तो मेरे ख्याल से 100 रुपये का ये इस बार भी 100 रुपये के आसपास आएगा, और फिर एक अच्छा खासा तेज़ी दिखा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट 110 का, फिर 112 का, फिर 115 एंड 20 का टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा स्टॉक में देखने को मिल सकता है। स्टॉक ट्रेडिंग 1.16 टाइम्स आपका बुक वैल्यू के ऊपर है, और बहुत अच्छा माना जाता है कि 1.1 टाइम्स, मतलब बहुत ही पॉजिटिव है कि कोई स्टॉक अगर अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड, हेल्दी डिविडेंड देता है 5% का, ये हमें पता ही है। और कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 76% CAGR। इतना ज़्यादा CAGR अब निफ्टी 50 के स्टॉक में अब बहुत कम स्टॉक में देखने को मिलेगा, कि मुझे लगता है कोई भी स्टॉक नहीं है इस CAGR को लेके, मैंने एनालिसिस नहीं किया, तो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा CAGR कमा के देने वाला स्टॉक टाटा स्टील है दोस्तों लास्ट 5 ईयर में। और कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाया था कमोडिटी सेक्टर में। और हेल्दी डिविडेंड पे आउट, 43% डिविडेंड भी देता है इन्वेस्टर को, मतलब पैसा तो दोगुना कर ही रहा है, पैसा तो आपको प्रॉफिट कर ही रहा है, ऊपर से आपका हेल्दी डिविडेंड भी इन्वेस्टर के लिए दे रहा है। इसके पीयर कंपनी में देखा जाए तो जिंदल स्टील है, सेल है, अपोलो जिंदल स्टेन्स एंड जिंदल सो का है। क्वार्टरली रेवेन्यू में देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में अच्छा खासा थोड़ा बहुत 2000 करोड़ का सेल्स कम हुआ था, इसलिए स्टॉक्स थोड़ा सा नीचे फिसल के आया हुआ है। एक्सपेंस भी उस हिसाब से कम ही हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2000 करोड़ कम हुआ है। अदर इनकम में आपका अच्छा खासा बढ़ा है, इंटरेस्ट 200 करोड़ बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छा खासा आपका टैक्स भी कम पे किया है, तो नेट प्रॉफिट इसलिए माइनस में गया है। तो नेट प्रॉफिट माइनसबिलिटी हुआ है क्योंकि टैक्स ज़्यादा पेड कर दें डिप्रिसिएशन के हिसाब से, इंटरेस्ट ज़्यादा पेड किया, अदर इनकम, और सबसे ज़्यादा है कि टैक्स। टैक्स देख सकते हो कि क्वार्टर में 721% टैक्स पे करना पड़ा था, इसी हिसाब से नेट प्रॉफिट जो है माइनस में गया है। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में दिखा रहा है। बाकी कंपनी का सेल्स आपका कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कुछ नहीं हुआ है। एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, कमोडिटी सेक्टर में साइक्लिक स्टॉक है तो चेंज होता रहता है, आप करंट मार्केट प्राइस में बाई करके फिर से एक प्रॉफिट कमा सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो। जैसे कि EPS में थोड़ा चेंजेस हुआ है, तो EPS चेंज हुआ है इसलिए नेट प्रॉफिट में भी आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। लेकिन घबराने का कुछ नहीं है, स्टॉक आप करंट मार्केट प्राइस में बाइंग जोन में आ गया है, तो आप 100 रुपये या करंट मार्केट प्राइस 102 रुपये में बाइंग करके शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म में एंट्री ले सकते हो।
स्टॉक प्राइस CAGR देखा जाए तो 3 ईयर्स में 53%, 5 ईयर्स में 12%, रिटर्न ऑन इक्विटी में 23%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में 67% का आपका अप मूव दिया हुआ है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 16%। बैलेंस शीट में देखा जाए तो अच्छा खासा बैलेंस शीट आपको प्रोवाइड करके रखा है। कैश फ्लो बिजनेस है जो माइनर जो आप मार्च 2022 में आपको देख सकते हो कि 10,000 करोड़ आपका सेगमेंट है। डेप्टर डेज प्रोमोटर का देख सकते हो कि 33.92 है। FII का आपका थोड़ा सा होल्डिंग कम किया है और दिसंबर क्वार्टर में बहुत ज़्यादा FII बुलिश हो गया है सितंबर क्वार्टर के कंपेयर में, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में देखोगे तो FII का होल्डिंग 21.52 था, दिसंबर क्वार्टर में ही FII का होल्डिंग 21.87 हो गया। DII का होल्डिंग 18.17 था जो बढ़ के 19.62 हो गया। तो DII और FII बहुत ज़्यादा आपका बुलिश है स्टॉक को लेके और लगातार खरीदारी कर रहा है, पब्लिक से माल उठा रहा है DII FII। तो मतलब यहाँ से ऑपरेटर फिर से एक यही लोग ऑपरेटर है जो ऑपरेट करके फिर से एक बहुत बड़ा रैली दिखा सकता है स्टॉक और करंट मार्केट प्राइस में आप बाई कर सकते हैं उसको। तो टाटा स्टील के बारे में ये था आपका पूरा पैंतरा, और सबसे बड़ी बात है कि चार्ट में करंट मार्केट प्राइस में बाई करके एक अच्छा खासा टारगेट आप अचीव कर सकते हो। और टाटा स्टील का देख सकते हो कि मिड रेंज परफॉर्मर है 102.10, मतलब 26% अभी भी स्टॉक जो है आपको अंडर वैल्यू में मिल रहा है 52 वीक हाई से। तो 26% का एक अच्छा खासा टारगेट शॉर्ट टर्म में मिल सकता है, और 113 का आपका 10% अप मूव एकदम एवरेज ब्रोकर टारगेट है। और अभी थोड़ा डाउनग्रेडेड है, डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, तो आपका देख सकते हो कि पिछले बार भी 100 रुपये के आसपास से ही आपको एक तेज़ी देखने को मिला था, इस बार भी 100 रुपये के आसपास से ही एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, तो एक अप मूव देखने को मिल सकता है। और बाकी स्टील रेवेन्यू में हायर देन एवरेज 2 times एस्टिमेटेड 5 times, और ये आपका माना जा रहा है। और 27 एनालिसिस में से स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल 14 लोगों ने दे दिया, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि 27 में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल दिया है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो दोस्तों। बाकी अगर देखा जाए तो टेक्निकल लेवल तो RSI एंड MFI दोनों आपका ओवरसोल्ड जोन में मिल रहा है, 35.6 RSI और MFI 25.5 है, तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक देख सकते हो कि अच्छा खासा एक अप मूव पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहा है, तो और बढ़ना भी चाहिए, तो इसलिए स्टॉक में एक अच्छा खासा तेज़ी आपको देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसका सपोर्टिव रेंज और RSI एंड MFI 25.5 एंड 35.6 है, एक अच्छा खासा मूव यहाँ से आपको स्टॉक दिखा सकता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ओनरशिप में DII में देख सकते हो कि LIC का 6.1% का होल्डिंग है, और तो बाकी FII और API बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है अपना होल्डिंग्स 21.52 to 21.87 इन December 2022 क्वार्टर। म्यूचुअल फंड ने भी अपना इंक्रीज़ किया है 7.31 to 8.18% दिसंबर क्वार्टर में, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आया है कि सारे लोग परचेस और सारे जो है ब्लॉक डील में बुलिश है स्टॉक को लेकर। और अभी देख सकते हो कि अभी के हाल फिलहाल में स्टॉक जो है एक अच्छा खासा बाई जोन में आ गया चार्ट में। तो अगर वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना आपके चैनल।